नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज। पुपरी न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पुपरी प्रखंड के गंगटी पंचायत अंतर्गत रामपुर खुर्द गांव में हुई भीषण अग्निकांड व एक मासूम की मौत पर प्रशासन व इंडियन रेड क्रॉस उप जिला शाखा पुपरी की ओर से राहत सामग्री उपलब्ध की गई। अगलगी की घटना की सूचना मिलते ही शुक्रवार की सुबह SDO इश्तियाक अली अंसारी ने घटनास्थल पहुंच स्थिति का जायजा लिया। SDO के निर्देश पर रेड क्रॉस शाखा द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर सदस्य मोहम्मद शाकिर हुसैन ने शाखा की ओर से अग्निकांड पीड़ित शेख रिजवान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद एहसानुर रहमान, मोहम्मद गुफरान व मोहम्मद फुरकान के परिजन को एक एक कंबल, किचन सेट व तिरपाल वितरण किया। शाखा सचिव अतुल कुमार ने कहा कि शाखा पीड़ित मानवता की सेवा की दिशा में हर समय तत्पर रहती है और पीड़ितों को यथासंभव हर प्रकार से मदद करने की पहल करती है। उन्होंने इस तरह की घटना पर दुख प्रकट किया। इसके अलावा प्रखंड प्रमुख मनोज कुमार राय, BDO मनोज कुमार, CEO राम कुमार पासवान ने अंचल कार्यालय की तरफ से तत्काल पीड़ित परिवार को कुल 17,800 रुपए का चेक प्रदान किया। प्रखंड प्रमुख ने पीड़ित परिवार को 1,000 व BDO ने 5,000 रुपए निजी कोष से मदद की। घटना को लेकर जिला व अनुमंडल अग्निशामक विभाग के अधिकारियों ने भी स्थल पहुंच जानकारी ली। इससे पहले घटना के समय थाना अध्यक्ष अशोक कुमार भी घटना स्थल पर पहुंचे। बताते चले कि गुरुवार की रात के करीब 1 बजे घर के सड़क भाग बाली किराना की दुकान में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे घर को आगोश में ले लिया। हल्ला होने पर आसपास के लोग पहुंच गए, सभी आग बुझाने में जुट गए। अग्निशामक केंद्र को सूचना दी गई। इस बीच परिजन भी किसी तरह घर के लोग व बच्चों को कमरे से बाहर निकालने में लग गए, लेकिन कमरे में सोया शेख रिजवान का पुत्र करीब 2 वर्षीय मोहम्मद हंजला चारों तरफ आग व धुएं से घिर जाने के कारण जिंदा जल गया। इस हृदय विदारक घटना के परिवार में मातम पसर गया। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कर दें। पुपरी न्यूज़, आपकी आवाज़ हर पल आपके साथ। क्या नाम हुआ आपका? शेख मोहम्मद रिजवान। आपके ही घर में आग लगा है? कैसे क्या हुआ था बताइए तो। कैसे लगा वो पता नहीं, अभी जो शॉर्ट सर्किट से लगा या किसी सिगरेट वगैरह से लगा, क्या लगा मालूम नहीं हो। हाँ, जब आग पूरा ओपन हो गया तो मेरी आँख खुली, जैसे तैसे हम लोग निकले। घर में ही आप सोए हुए थे? सोए हुए थे। आपका ही छोटा लड़का जो है वो मरा? कितने लोग रह रहे थे घर में आप लोग? मैं 7-8 आदमी। अभी क्या चाहते हैं, क्या मांग करते हैं प्रशासन से, नुमाइंदों से? जो हो सके कर दे मदद। और क्या क्या करते हैं आप? दुकान चला रहे थे छोटी सी किराना की। उसी दुकान के सहारे जिंदगी बसर हो रही थी? जी। उसकी घटना है। किनका घर था ये जिन, मास्टर हबीब साहब है, उनका एक लड़का मोहम्मद रिजवान और इरफान और 2-3 भाई, 4-5 भाई, सबों का ये घर है। मिला जुला झोपड़ी नुमा घर था, सब लोग इसमें गुजर बसर करते थे। पता चला एक मासूम बच्चे की मौत हो गई है साथ में। 2 साल का लगभग बच्चा भी है उसमें। आग की घटना में जो सरकार का जहाँ तक जो भी है रिलीफ मिलना, टोटल रिलीफ मिलेगा इनको, और बच्चा है उनका भी जो भी मुआवजा सरकार की तरफ से जो नियमता होता है, जहाँ तक कोशिश किया जाए कि पूरी तरीके से इनको सहायता मिला जाए। ग्राहक मित्रों, अपने सपनों को साकार कीजिए, चले आइए होंडा के अपने शोरूम सोनार होंडा में और ले जाइए अपने घर होंडा के कोई भी मनपसंद बाइक और स्कूटर आसान फाइनेंस सुविधा के साथ न्यूनतम डाउन पेमेंट पर। जी हाँ, सोनार होंडा अपने क्षेत्र पुपरी का पुराना बाइक शोरूम, पिछले 10 वर्षों से आपकी सेवा में। ग्राहक मित्रों, आप हमारा पता नोट करें, सोनार होंडा अथोराइज डीलर नियर अलाहाबाद बैंक पुपरी। से अब है किसान